ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार के वैशाली में रंगदारी नहीं देने पर एक स्थानीय सरपंच के तीन पुत्रों को मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। तीन भाइयों में से एक की स्थिति गंभीर है, वहीं दो की आंशिक चोट लगी है। घटना वैशाली जिले के राजपाकर के पावरपट्टी पंचायत का है। बताया जाता है कि जाफरपट्टी के सरपंच अमरनाथ भगत के पुत्र आमोद भगत, अवधेश भगत, अजय भगत व अन्य मजदूर गांव के बुनियादी मध्य विद्यालय की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कर रहे थे। तभी गांव के ही गुड्डू कुमार, राजा कुमार एवं 20-25 गुर्गे के साथ स्कूल के निर्माण कार्य को रोककर 50,000 रुपए की रंगदारी मांगने लगे। इस पर अजय भगत ने विरोध करते हुए कहा कि निर्माण कार्य जिला परिषद के मद से हो रहा है तथा हम रंगदारी क्यों दें। अजय भगत की बेरहमी से इस बात पर लेकर के मारपीट किया गया। वही बीच बचाव करने आए उनके दो भाइयों को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। सभी को आनंद फानंद में पीएचसी व इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना सोमवार को बताई जाती है। खास बात यह है कि घटना के बाद अब तक राजपाकर पुलिस उक्त घटना पर जाकर कोई भी अनुसंधान नहीं किया है। घटना के बाद स्थिति असामान्य है। झगड़ा वही रंगदारी मांगने लगा, काम बंद करने के लिए बोला, हम काम का बंद करेंगे। जैसे रंगदारी मांगने लगा कि बोले रंगदारी लाओ, उसके बाद कोई काम का नहीं बना। काम वहाँ कितना दिन से चल रहा है? काम चल रहा है 15-20 दिन से चल रहा है। अच्छा, पुलिस प्रशासन ये सब आई कि नहीं? वहाँ नहीं, कोई नहीं है। थाना में आवेदन दिए थे राजा? हाँ, सब चीज दिया हुआ है। पुलिस के द्वारा क्या कहा गया? पुलिस कोई सुनवाई नहीं करा है। कोई सुनवाई नहीं करे पुलिस। थाना पे भी गए थे क्या? हाँ। अच्छा, अगाड़ी वाला जो है गुड्डू कुमार नाम का लड़का है, पिता धर्मेंद्र सिंह वही पहला वार किया वही। अच्छा, उसके बाद राजा सावल से, उसके बाद में राजा कुमार है, दिनेश सिंह का लड़का है वो वार किया है, अनमोल कुमार है। लोग 20-25 के संख्या में थे, लेकिन हम वही 5-6-7 लड़का को हम लोग नाम जानते हैं। राजा पाकर थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन दिए थे। पुलिस मौके पर पहुँची है कि नहीं? अभी तक नहीं पहुँची है। क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस पर जो हो कार्रवाई हो और जल्द से जल्द जो नाजायज लड़का है उस सबको गिरफ्तार किया जाए। और